भाजपा के नामांकन रैली में आज केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर जमकर प्रहार किया। साथ ही भूपेश बघेल की सरकार को भ्रष्ट सरकार बतलाते हुए भाजपा को वोट देने की मांग की। सांसद चुन्नीलाल साहू, पूर्व सांसद चुन्नीलाल साहू, चंद्रशेखर साहू के साथ अन्य पदाधिकारियों के साथ उपस्थित थे। भाजपा के दोनों प्रत्याशी नामांकन भरने निकले के लिए 3 बजे जाने के कारण नामांकन नहीं भर पाए। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी को भी निर्वाचन कार्यालय के बाहर गेट पर अधिकारियों ने रोक दिया, अंदर जाने नहीं दिया, जिससे उन्हें वापस लौटना पड़ा। लेकिन रोहित साहू ने समय पूर्व निर्वाचन कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। और हम सब जानते हैं कि इन्होंने पहले जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके कर्जा माफी की बात की थी, वो नहीं किया। 500 रुपया महिलाओं के खाते में डालने की बात थी, वो नहीं दिया। 4 सिलेंडर देने की बात थी, वो इन्होंने नहीं किया। तो इन्होंने जो पिछली बार का प्रयोग था जनता द्वारा, वो फेल प्रयोग हुआ और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बिठाया और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल तैनाती का काम किया, सेवा का काम किया कि सरकार सही रास्ते पर काम करे, चोरी चकारी ना हो। और आज मुझे पता चला कि रेता माफिया जो यहाँ पर लगातार काम कर रहा है, हमारे एक युवा नेता ने उसकी ट्रक और गाड़ियां पकड़वाई, तो उसको इनाम देने की बजाय सरकार ने उसके जो